गंजेपन की समस्या से आज भी सभी लोग परेशान हैं। असंतुलित खान पान के कारण कम उम्र में लोगों के बाल उड़ जा रहे हैं। लोग बाल उगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जब सभी प्रयास असफल हो जाते हैं तब लोग हेयर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन चुन लेते हैं। वहीं हेयर ट्रांसप्लांट कराने के कई साइड इफेक्ट्स भी हैं जिसके कारण इसे कराने से पहले लोग डरते भी हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सिर पर लगाए गए बाल ठीक तरह से सेट नहीं हो पाते हैं और यह पतला होकर खुद ब खुद गिरने लगता है और झड़ना शुरू हो जाता है। इसमें हम फिर गंजेपन के शिकार हो जाते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि यह ट्रीटमेंट हर किसी पर सूट नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सफलता मिलती है। वहीं हेयर ट्रांसप्लांट हमेशा अनुभव वाले डॉक्टर से ही कराना चाहिए। कम से कम 5 साल के अनुभव वाले डॉक्टर से सर्जरी ज़रूर करवाइए। तो चलिए जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद बाल कभी कभी झड़ जाते हैं, तो मरीज ऐसे में घबराए नहीं, बाल झड़ने के बाद फिर आते हैं। वहीं कई बार यह ट्रीटमेंट किसी को सूट नहीं करता है तो किसी में साइड इफेक्ट्स भी दिखते हैं। वहीं हेयर ट्रांसप्लांट से हिचकी की भी समस्या में लोगों को आती है। बॉडी की त्वचा खराब होने के कारण कभी कभी ट्रांसप्लांट ठीक तरह से नहीं हो पाता है। बाल को लगाने के बाद सिर पर सूजन भी आ जाता है और सूजन बढ़ने से इसका असर सिर और आंख में दिखाई देने लगता है। अगर इस तरह के साइड इफेक्ट्स हों तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ज़रूरी परामर्श लेना चाहिए। वही हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद आपको सिर में खुजली भी हो सकती है। वहीं आपको बता दें, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद संक्रमण भी हो सकता है। संक्रमण होने से डॉक्टर तुरंत संपर्क करना चाहिए। वहीं एक्सपर्ट बताते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के तुरंत बाद संक्रमण का खतरा अधिक रहता है और इसलिए लोगों की इसकी काफ़ी देखभाल करने की सलाह दी जाती है। वहीं हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद आपको अल्सर भी हो सकता है। वहीं आपको बता दें, हेयर ट्रांसप्लांट में शरीर के जिस अंग से बालों की जड़ें निकलकर सिर पर लगाई जाती है वो अंग प्रभावित भी हो सकता है। ऐसे अंगों में सुन्न होने की समस्या आ जाती है। यह काफ़ी दिनों तक रह सकता है। यदि लंबे समय तक समस्या दूर नहीं होती है तो डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। धन्यवाद।